आज मैं आपके साथ अपनी शादी के एल्बम शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ, 7 दिसंबर 2009 को हमारी शादी हुई थी, तो बिल्कुल 10 साल हो गए हैं। तो मैं सोची आपके साथ अपनी शादी के एल्बम शेयर करूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से मैं रेडी हुई थी। मरून कलर की साड़ी पहनी थी, बहुत ही हेवी साड़ी थी, ये बहुत ही हेवी साड़ी थी, और सारे गोल्डन ज्वेलरीज मैं पहनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा मन था कि ये गोल्डन, इसमें थोड़े से वर्क भी थे तो गोल्डन लुक ज़्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए, हम दोनों के नाम भी लिखे हुए हैं इस तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे घरों में लड़कियों में भी मंडप बनता है, तो ये हमारे घर का रस्म है। तो ये देखिए, हमारे सारे रिलेटिव मिल के ये मंडप में कुछ होता है विद वो कर रहे हैं। उसके बाद फिर हल्दी का रस्म शुरू हो जाता है। तो इस तरह से मैं बैठी हुई हूँ पीले साड़ी में, और फिर मुझे हल्दी यूं लगाया जा रहा है। तो ठंड भी काफ़ी थी, दिसंबर में शादी हुई थी तो ठंड भी काफ़ी थी। तो देखिए, ये दिख रहा होगा आपको, मैं आपको बता देती हूँ, ये मेरी बड़ी मम्मी हैं, ये मेरी मम्मी हैं, और ये मेरी दादी हैं, ये मेरी भाभीज हैं, और मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे रिलेटिव हैं मेरे, एक एक करके सब आएंगे और इस तरह से हल्दी का चुमाते हैं, हल्दी को इस तरह से। उसके बाद सब एक दूसरे को हल्दी भी लगाएंगे। तो ये देखिए, जितने भी मैरिड लेडीज हैं वो सब इस तरह से करेंगी। फिर उसके बाद सेम साड़ी में हम जा रहे हैं बाहर पूजा के लिए मिट्टी लाने। तो इस तरह से लाल जो शादी वाला चुन्नर आता है वो ओढ़ के मम्मी के साथ मैं जा रही हूँ, बिल्कुल इस तरह से, और ढोल वोल बज रहे हैं। तो ये देखिए, मम्मी और मैं बिल्कुल एक जैसे ही लग रहे हैं। तो अब स्टार्ट हो गया हल्दी, और बिल्कुल पीले पीले ड्रेस पे मैं रेडी हूँ। ये मेरे पापा हैं, और अभी ये पूजा भी हुआ है यहाँ, तो इसलिए पीले पीले धोती पहने हुए हैं पापा। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, सारी लेडीज हैं। फिर ये हम पूजा के लिए मिट्टी लेने आए हैं, तो ये मिट्टी ले रहे हैं, आंचल में मिट्टी लेना रहता है इस तरह से। फिर सारे सुहागिनों को सिंदूर लगाया जाता है। फिर इधर मैं आपको बताई थी पूजा भी हुआ है, तो सत्यनारायण भगवान का घर पे पूजा भी हुआ उस रात। ये देखिए, इस तरह से पूजा भी हो रहा है, मेरे पापा पूजा पे बैठे थे। और फिर बहुत तरह की रस्म होती है, सब इंजॉय भी कर रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है सबको। फिर ये कलश की पूजा होती है मंडप पे ही, तो ये मेरे साथ पूजा करवा रहे हैं पंडित जी, ये देखिए। और उसके बाद सबसे बड़ों से हल्दी स्टार्ट हो जाता है, तो ये मेरे बाबा हैं, ये हल्दी का रस्म स्टार्ट किए हैं इस तरह से। और फिर एक दूसरे को भी हल्दी, यहाँ मेरी बड़ी मम्मी है वो चाचा को हल्दी पकड़ के लगा रही हैं इस तरह से। तो सब एक एक करके, जितने भी बड़े हैं, जितने भी मैरिड हैं, सब एक एक करके आएंगे, और यूं हल्दी का रस्म स्टार्ट हो गया है। तो सब हल्दी चढ़ाएंगे मुझे, और सिर्फ मुझे ही नहीं, बस उनको भी हल्दी लग रहा है। यहाँ पे हंसी मजाक वाले रिलेशन भी चलती है, तो उसमें बहुत सारे लोग को हल्दी भी लग जाता है, ये देखिए। और बहुत सारे पैक भी बनते हैं, हल्दी ही नहीं, बहुत सारे आटे वाटे के भी पैक बन जाते हैं हमारे घर में, और फिर होली जैसा ही माहौल आ जाता है। तो ये देखिए, कितना मज़ा आ रहा है सबको। फिर ये धीरे धीरे, ये देखिए, तो बहुत मज़ा आता है ये हल्दी का रस्म में। और ये देखिए, ये डेकोरेशन हो चुकी है शादी की, ये देखिए बहुत सुंदर सजा था। ये हमारा गार्डन है, वहाँ पे बहुत खूबसूरत सजा था। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये सारे बलून से डेकोरेट किए गए थे, सारे बलून से डेकोरेट हुआ था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखिए, बिल्कुल मरून कलर की साड़ी पहनी थी, दुल्हन वाले पोज में आ चुकी हूँ मैं
इस तरह से भाभी सबके साथ मैं बैठी हूँ और थोड़ा पोज भी दे रही हूँ दुल्हन वाली। सबके साथ मेरी पिक ली गई है, ये देखिए, ये मेरी दीदी और जीजा जी हैं। फिर यहाँ पे पापा के कलीग्स आए थे, वो भी सब साथ में हैं। इस तरह से मैं रेडी हो चुकी हूँ, सब वेट कर रहे हैं बारात के आने का। उसके पहले जो लोकल गेस्ट हैं वो आए हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मम्मी है मेरी येलो साड़ी में, और ये मम्मी की सारी बहनें हैं। ये मेरी मम्मी हैं, ये मम्मी की सारी बहनें हैं। सब बहुत इंजॉय किए थे शादी में। तो ये देखिए, ये मैं मेरी और पापा की पिक है। शादी में बस फोटो ही खिंचाने का बहुत शौक रहता है, मुझे भी था। ये मम्मी पापा के साथ मेरी पिक है। आपको मैं दिखाती हूँ मेरी मेहंदी कितनी रची थी, ये देखिए, और ये देखिए। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही थी दुल्हन में। तो इधर खाना वाना भी रेडी हो चुका था बारातियों के लिए। बाराती अभी आए नहीं थे, बिल्कुल खाली था इधर, और अब बारात आ गई है। तो ये देखिए बारात आ गए हैं, दूल्हे भी आ गए हैं, सब डांस कर रहे हैं। मेरी शादी में शहनाई वाले आए थे कलकत्ता से, बहुत अच्छा शहनाई बजाए थे, बिल्कुल यूनिक सा लग रहा था। जितने भी लोग आए थे सबको बहुत पसंद आया था। ये सहबाला हैं मेरे, शादी में सहबाला बन के आए थे। ये मेरे हस्बैंड के सब फ्रेंड्स, और ये देखिए हस्बैंड भी डांस कर रहे हैं, इनको भी बहुत मज़ा आता है डांस करने में। तो ये देखिए, बहुत इंजॉय किए थे ये भी अपने शादी में डांस कर करके। और इधर मेरे घर के साइड से सब लोग खड़े हैं बारातियों का स्वागत करने के लिए, जितने भी बड़े लोग हैं सब आगे में हैं, इस तरह से सब खड़े हैं। और ये मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर जी आ गए हैं, साथ में मेरे सारे ससुराल वाले लोग आए हैं। और यहाँ पे आतिशबाजी भी बहुत हुई थी, ये देखिए दोनों समधी मिल रहे हैं। और गाड़ी से इन्हें मेरे सारे भाई मिलके इनको लेके आए थे। हमारे में द्वार पूजा होता है, तो मेरे सारे भाई इनको लेके आए यहाँ पे बैठाने के लिए, गोद में उठा के लाए थे, बिल्कुल इस तरह से देखिए। फिर द्वार पूजा होता है पहले दूल्हे के साथ इस तरह से, और साथ में सहबाले को भी बैठाया जाता है। और दूल्हे राजा तो बैठ चुके हैं, अब बस मैं आ रही थी उधर से। ये देखिए यहाँ मेरे सारे ससुराल से सब लोग आए हुए हैं, और मैं आ रही हूँ अपने सारे कजन्स लोग के साथ। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ, थोड़ी डरी सी हूँ, पता नहीं क्यों, क्राउड देख के आई थिंक। तो इस तरह से मैं आ रही थी रास्ते में, और टाइम आ जाता है जयमाल का। तो ये देखिए सब लोग इनको गोद में उठा लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जयमाल हो जाता है। ये देखिए, फिर जयमाल के बाद फोटो सेशन होती है।
उसके बाद हमारे ड्रेस चेंज करके येलो साड़ी में मुझे बैठाया जाता है शादी के लिए। तो यहाँ पे शादी के लिए मैं बैठ गई हूँ येलो साड़ी में। तो पहले यहाँ पे नेल्स कट होती है, बहुत सारे रस्म होते हैं हमारे में, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए हैं हमारे घर पे, और उसके बाद उनके साथ भी बहुत सारे वेद हो रहे हैं। छोटी छोटी रस्म होती है लेकिन बहुत ही मजेदार वाली होती है, मजा भी आता है शादियों में। तो इस तरह से, और मैं आपको बता दूं, ये देखिए बहुत सारी रस्म थी। रात भी हो गई है, इनको भी नींद आ रही थी। छोटी छोटी बहुत सारी रस्म होती है। अब यहाँ पे आ रहा हस्त मिलाप, जी हाँ, तो यहाँ पे कन्यादान भी होगा। तो बिल्कुल इस तरह से हुआ, ये देखिए कन्यादान हो रहा है। और इस समय मैं भी बहुत रोने लगी थी। बहुत गीत भी होते रहता है पीछे सारे, और यहाँ मुझे सिंदूर लगा दी गई है। तो उसके बाद मेरा भैया यहाँ पे ऐसे लावा होता है और वो ऐसे छींटना होता है इस तरह से। तो ये देखिए ये सिंदूर भी हो गया है। फिर मैं सबको, जितनी भी मैरिड लेडीज थी, सबको सिंदूर लगाई। फिर सबने मुझे भी लगाया, और इस तरह से मुझे ठंड भी लगने लगी थी। फिर स्वेटर भी पहना दिया गया मुझे, और बिल्कुल सिंदूर विंदूर लग के फिर मैं चेंज हो गई थोड़ी लुक में। फिर पैरों में भी छुरी भी पहनाया जा रहा है मुझे शादी के बाद। और ये देखिए और एक ये रस्म होता है अंगूठा पकड़ने वाला, थोड़े हंसी मजाक वाले भी रस्म होते हैं। सब लोग बैठ के पूरी रात शादी देखे, मजा आता है, बहुत ही मेमोरेबल रह जाता है ये सब। ये दोनों समधी, ये हमारा पूजा रूम आ गया, और ये एल्बम का लास्ट पेज आ गया। तो आप जरूर बताएं कमेंट करके कि मेरी ये शादी की एल्बम आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।